करें तुक्का। तुक्के की बात कर लेता हूँ बच्चों, तुक्के की बात यह है क्योंकि मैथ्स का टीचर हूं तो मैं मैथ्स के लिए, आपका एक प्रश्न सही हो गया तो क्या होंगे, तीन गलत, यही तो प्रोबेबिलिटी बनेगी। हाँ यही सब। हेलो बच्चों, नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। पहले तो मैं सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ क्योंकि बच्चों आप भी जानते हैं कि पिछले कुछ दिन बहुत मुश्किल गुजरे हैं उन बच्चों पर जिन्होंने 17 और 18 में यूपी पुलिस का एग्ज़ाम दिया था और असमंजस की स्थिति में रहा है। शुक्रवार आने तक सब लोग एक दहशत सी में रहे हैं कि भाई क्या होगा एग्ज़ाम का, क्या नहीं होगा, ऐसे बिल्कुल अन्याय तो नहीं चलेगा। अंततः सत्य की जीत हुई। दुख तब होता बहुत ज़्यादा कि जब मैं आपके भी साथ नहीं रह पाता, उधर भी कुछ नहीं हो पाता, तो वास्तव में फिर दुख रहता कि भाई ठीक है। लेकिन अब कम से कम ये संतुष्टि है कि उन बच्चों को अपना जो जिस न्याय के लिए लड़ाई लड़ी गई थी वो न्याय मिला, चाहे कैसे भी मिला, किन भी परिस्थितियों में मिला, पर वो मिला। और आप लोग जरूर मेरे से रुष्ट होंगे और खफा होंगे, ये मैं जानता हूँ, और बहुत सारी उम्मीदें आप मुझसे करते हैं SSC GD को लेकर। और मैं एग्ज़ाम से जस्ट पहले आपके साथ बिल्कुल मन से नहीं रह पाया, या मैं कहूँ तन से मन से किसी से भी नहीं रह पाया। तो बच्चों क्योंकि मन भी वहीं लगा हुआ था और तन तो हमारा दूसरों के अधीन हो गया था, तो इसमें तो अब ज़्यादा मैं क्या ही कहूँगा। तो बच्चे अभी सिर्फ एक बात करने आया हूँ मैं कि भाई बहुत सारे बच्चे 20 तारीख से 24 तारीख तक जिनका एग्ज़ाम हो गया, सैटरडे में भी एग्ज़ाम था मुझे पता चला, आज तो एग्ज़ाम नहीं था किसी का, तो 4 दिन एग्ज़ाम हो चुका है, 5 मार्च तक एग्ज़ाम चलेगा, तो कल से भी बहुत सारे बच्चों का एग्ज़ाम है। तो अब तक आपको बहुत सारे बच्चों को एक कष्ट हो गया होगा कि सर अब हमारा हो गया तो हम तो क्या फ़ायदा उठा पाएंगे आपकी बातों का। कोई बात नहीं बच्चों, पर जिनका रह गया है उनको ज़रूर आज कुछ फ़ायदा मिलने वाला है आज इस वीडियो के माध्यम से। हाँ 7 मार्च तक एग्ज़ाम है, सॉरी। चलिए, तो अभी काफ़ी लंबा टाइम एग्ज़ाम चलेगा, तो इन बातों को ध्यान से सुनिएगा जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है। तो कैसा आ रहा है एग्ज़ाम, ये सबसे पहला क्वेश्चन होना चाहिए बच्चों का कि एग्ज़ाम। वैसे तो आपको एनालिसिस हमारी टीम ने करवा दिया था, तो बहुत कुछ आइडिया हो गया था पहले एनालिसिस के बाद कि एग्ज़ाम किस तरह का आ रहा है। बच्चों अगर मैं मैथ्स की बात करूं, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है इस बार कि पिछली बार की वैकेंसी आधी है, वैसे ही बच्चा खुला खेल के आ रहा है। और दूसरा, आप पेपर में बिल्कुल भी दम नहीं दे रहे हो। और मैं उन बच्चों से भी कहना चाहूँगा कि जिन बच्चों को मैथ्स बिल्कुल नहीं आता और वो मैथ्स को छोड़ने की सोच रहे थे, कोई भी गोला काला करने की नहीं सोच रहे थे, या मैं कहूं कि किसी को भी टिक करने की नहीं सोच रहे थे, तो मैं आपसे कहता हूं और मेरी बात ध्यान रख के जाना कि आपको मैथ्स आता हो या ना आता हो, पूरे 20 के तुक्के लगा के आना। तुक्के के लिए नेगेटिव मार्किंग के बाद भी सपोर्ट कर रहा हूं। अब बहुत सारे बच्चे वहां कह रहे हैं सर मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर जब मैं नेगेटिव मार्किंग देखता हूं तो वहां लिखा आ रहा है कि आपका 0.25 मार्क्स हर क्वेश्चन का काटा जाएगा। तो ये तो सर 1/4 की हुई, तो ये 1/4 नहीं है बच्चों, इसका जवाब मैं आगे दूंगा। क्वेश्चन 2 नंबर का है और 0.25 यानी बच्चे 2 रुपए और ये 25 पैसे, 25 पैसे 25×8=200, आप ये समझ लीजिए 8 गुना पे बैठेंगे वो, तो ये 1/8 ही हिस्सा है। तो ये नेगेटिव मार्किंग 1/8 की ही है, 1/2 की प्लीज मत मानिए, वो 1/4 की मत मानिए, ठीक है। और जब भी नेगेटिव मार्किंग कभी भी 1/4 से ज्यादा मतलब हल्की हो, 1/5 हल्की है, 1/3 बहुत भारी है, 1/2 तो बहुत ही भारी है, तो मतलब जितना इधर को नीचे को बटे में ज्यादा चल रहे हैं, 1/5, 1/6, 1/7 इस तरह की नेगेटिव मार्किंग होना 1/4 से और अपर संख्या में, तो समझ जाओ कि आपके लिए फायदे की है और आपको फिर तुक्का लगाना चाहिए। 1/4 में कभी कोई फायदा नहीं होता तुक्का लगाने, इसलिए मैं कभी नहीं बोल के आता आपको, कभी बोला भी नहीं होगा आज तक, लेकिन आज बोलूंगा अच्छे से। पहले तो मैं आपको बता दूं कि बच्चे जो एग्जाम आ रहा है ना वो मैथ्स ऐसा आ रहा है कि अगर आप पिछले बार के मैथ्स में अगर आप 15-14 पे डट रहे हो, 14-15 ही कर पा रहे हो, तो इस बार 18-19 कर जाओगे। मतलब पिछली बार से आप 3-4 क्वेश्चन 100% ज्यादा करके आओगे, क्योंकि पिछली बार 2-3-4 क्वेश्चनों में जरूर अच्छी कैलकुलेशंस थी, अच्छी संख्या की कैलकुलेशन थी। हाँ मैंने माना पिछली बार 15-16 क्वेश्चन आसान आए थे, पर 4-5 क्वेश्चन में दम आ रहा था, लेकिन इस बार उन 4-5 क्वेश्चन में भी दम नहीं है, 1-2 क्वेश्चन हो सकता है कोई परेशान करे, वरना भैया मैथ तो ऐसा आ रहा है कि 17-18 का हर बच्चा को कर देना चाहिए।
और अगर मैं बोलूं कि रीजनिंग रीजनिंग पहले जैसी है भैया, पहले भी पजल के एक दो क्वेश्चन थे, अब भी दो क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मतलब वो बिल्कुल वही पैटर्न को लेकर के चला है रीजनिंग में जैसा पिछली बार था। तो पिछली बार भी हम यही मान के चल रहे थे कि बच्चा 18 क्वेश्चन तक कर जाएगा, और 18 से अगर डाउन जाते हो रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट में, तो फिर ये आपकी हार मानी जाएगी बच्चों, ठीक है। और हाँ, अभी असम वाले बच्चों की भी बात बोलूंगा, मुझे पता है आप लोगों के काफी कमेंट्स आ रहे हैं। अब मैं जीएस की बात कर लेता हूं बच्चों, जीएस के लिए, तो जीएस के लिए आप लोगों को क्या करना है, अगर जीएस की मैं बात करूं तो इस बार हम ये मानते हैं एसएससी की जीएस में यार 13-14 करना बहुत मुश्किल होता है, और हमने भी ऐसे ही क्वेश्चन यहां दिए थे अपने मॉक टेस्ट वगैरह में, पर बच्चों इस बार जीएस अगर आप पूछोगे तो वास्तव में हर शिफ्ट का तो मैं नहीं कहता, कुछ शिफ्ट में कोई चीज थोड़ी मुश्किल कोई चीज थोड़ी मुश्किल डाल दी, लेकिन अधिकतर शिफ्टों में जीएस आसान देखने को मिली है, जिसमें अगर बच्चा नॉर्मल जीएस पढ़ने वाला है तो उसको 14 से 16 क्वेश्चन करने चाहिए इस बार पेपर में। ऐसा पेपर, मैं हिंदी भाषी राज्यों की बात कर रहा हूं बच्चों, ऐसा स्कोर नहीं होगा ना आपका, अगर आप राजस्थान से, आप यूपी से, आप बिहार से, आप एमपी से, आप हरियाणा से, आप दिल्ली से, अगर ऐसे राज्यों से भी आपका ऐसा स्कोर नहीं होगा ना, तो आपको मुंह की खानी पड़ेगी इस एग्जाम में। और मैं हिंदी की बात करूं तो हिंदी में दो क्वेश्चन आ रहे, पिछली बार तो संज्ञा सर्वनाम विशेषण इनमें से कोई क्वेश्चन पूछ लेता था, दो क्वेश्चन पिछली बार भी अलग थे, है ना, वोकैबुलरी से अलग जो होते हैं, चाहे वो संज्ञा से आए, चाहे वो विशेषण से आए, चाहे वो अव्यय से आए, चाहे वो कारक से आए, पिछली बार था, इस बार न संज्ञा सर्वनाम विशेषण कारक कुछ नहीं अब तक पूछा है, सिर्फ तत्सम और तद्भव दो क्वेश्चन पूछे हैं, वो आपका वोकैबुलरी का ही पार्ट है अगर सही पूछो तो। तो भैया 18 क्वेश्चन तो वही अनेक शब्दों के लिए, एक शब्द पर्यायवाची बताओ, खाली स्थान बताओ, विलोम शब्द बताओ, पैराग्राफ कर दो, है ना, और वर्तनी शुद्ध कर लो, तो इनमें यही सारी चीजें हैं बच्चों। हिंदी में तो यार दो तत्सम तद्भव और डाल दिया है, तो यार ये तो 18-19 क्वेश्चन तक आपके जाने ही चाहिए, सबसे आसान चीज तो ये आ रही है, पिछली बार से आसान हो गई है। अब आप ये सोचो कि सर ये तो बहुत तगड़ा स्कोर बनेगा अगर ऐसा कोई कर जाएगा, तो पहली बात तो नेगेटिव आपके कुछ कुछ लेकर नहीं जाएगा वो, आपका कुछ भी नहीं घिस रहा है ना, तो भाई ये बहुत बहुत तगड़ा स्कोर इस बार आपको करना होगा एग्जाम में हिंदी भाषी स्टेट में, अगर आप अच्छी पोस्ट चाहते हो तो, ठीक है। रेडियो ऑपरेटर के लिए बेटा कल वीडियो बनाऊंगा, अभी नहीं है ना, आज उसकी जिक्र नहीं करूंगा, कल के लिए मैंने बोला था तो मैं कल बना दूंगा, मतलब मैंने बोला था परसों बनाऊंगा, तो कल वीडियो बनी है तो उसका परसों यानी कल आएगा। चलिए अब मैं अगर बोलूं कैसे करना है एग्जाम अटेम्प्ट, बच्चों जब पेपर आसान आता है ना तो समय की कमी नहीं पड़ती, और जिस बच्चे ने मॉक टेस्ट बहुत कर लिया हो ना उसको समय कम पड़ना ही नहीं है। और एक बात आपको और बता दूं कि बच्चे हमने एक स्पेशल मॉक दिए हैं आपको, स्पेशल मॉक, मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों, स्पेशल जो मॉक दिए हैं एक हमने 20 फरवरी को डाला है, और मैंने उस दिन ही बोला था आपको, और मैं दूंगा, देखिए मैं कहीं भी व्यस्त रहा हूं लेकिन ये आपको मिले हैं, टाइम से मिले हैं, क्योंकि टीम को मैंने इंस्ट्रक्ट कर दिया था कि बच्चों से बोल दिया ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो भैया 20 फरवरी और 24 फरवरी ये दो मॉक टेस्ट कर लो, पेपर ऐसा ही आ रहा है, और आप उनमें खुद को देखो कि मैं कितना स्कोर कर पा रहा हूं, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि 1/4 और 1/8 ये नेगेटिव है, तो बच्चा वहां 0.25 काटा जाएगा हर एक प्रश्न का। अब ये काटा जाएगा इसका मतलब क्या है, ये कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ रहा है आपका लिखा हुआ, एक प्रश्न का अगर ये काटा जाएगा तो 1/8 की ही नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 की नहीं है। तो हमने ये जो दो टेस्ट लिए हैं ना आपके, इसमें 1/8 की नेगेटिव मार्किंग रखी है, और आप देखना इसमें आपके क्वेश्चंस, इसमें आपका स्कोर बहुत अच्छा बन रहा होगा, यहीं से आपको पता लग जाएगा। यानी नॉर्मली जो आपका मॉक टेस्ट में स्कोर चलता था ना हर संडे को, उससे काफी अच्छा स्कोर यहां आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तो फिर ये आप में कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि हमने पेपर बिल्कुल वैसा ही बनाया, और आप खुद बोलोगे जिन बच्चों ने ये मॉक टेस्ट दिए होंगे ना, 1,70,000 कर चुके हैं इसको, आप पीछे हो अगर आपने नहीं किया है तो जिन बच्चों ने ये मॉक टेस्ट दिया है ना, तो उनको जब वो पेपर देंगे तो खुद कहेंगे सर ऐसे ही आ रहा है बिल्कुल, ठीक है, यही कर सकते हैं हम आपके लिए बच्चों। चलो, और ये फ्री है, रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर जाइए, और ये फ्री मॉक टेस्ट है आपके लिए, ठीक है, रोजगार विद अंकित ऐप पर। ये भैया 1/8 की है, अब 1/8 की है तो तुक्का लगाए या ना लगाए, तुक्के की बात बता रहा हूं मैं। अब देखो तुक्का, तुक्के की बात कर लेता हूं बच्चों, तुक्के की बात ये है, तुक्के की बात बता रहा हूं मैं। अब देखो तुक्का, तुक्के की बात कर लेता हूं बच्चों, तुक्के की बात ये है, क्योंकि मैथ्स का टीचर हूं तो मैं मैथ्स के हिसाब से भी बताऊंगा तुक्के को। बच्चों जैसे कोई
चार विकल्प हैं किसी चीज में और आप चार क्वेश्चन करते हो और चारों पे मान लीजिए पहला दूसरा तीसरा और चौथा और चारों में आपने ए ए भर दिया, मान लीजिए इसका ए भर दिया, इसका ए, इसका ए, इसका ए, ठीक है बच्चों। तो हम ये कह रहे थे कि अगर एक दो तीन चार, इन चारों में आप ए ऑप्शन लगाया हो, किसी बच्चे ने बी लगा दिया या किसी ने सी लगा दिया किसी ने डी, ये 100% एक प्रश्न सही हो जाएगा। अब आप ये सोच रहे थे इससे पहले कि सर अगर 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती और ये तब हम लगाते ए ए ऐसे भर के तो फिर बराबर में ही छूटते आप, तो वहां कोई फायदा नहीं है भैया, एक सही हुआ और तीन चार गलत हो गए तो बराबर में आ गए वहीं, तो इसलिए वहां कोई फायदा नहीं है। यहां पर आपने मान के चला, मैं ये मान के चलूं कि भैया आपका एक प्रश्न सही हो गया तो क्या होंगे, तीन गलत, यही तो प्रोबेबिलिटी बनेगी, हाँ यही संभावना बनती है, तीन गलत हो गए तो इन तीन गलत की वजह से आपका कितना कटा 0.75, ये माइनस हुआ और इसकी वजह से मिलेगा कितना 2 नंबर, नेगेटिव मार्किंग समझा रहा हूं आपको। तो कैसे हुआ ये, बी भी लगा दोगे ना चार में तो एक सही हो जाएगा पक्का, पर एक सा भरना, तो भैया ये आपका जो है ना फिर भी फायदा कितना रहा। ये वो क्वेश्चन थे जो मुझे बिल्कुल नहीं आते थे, उन चार क्वेश्चनों से मैं फिर भी इतना नंबर ले गया क्योंकि इनका मुझे कोई आइडिया नहीं था मिलेगा कि नहीं, खुद बताओ, ये तो तुम्हारा नंबर ही नहीं था। तो बच्चों चार में से एक की संभावना रहती है और मान के चलो भैया पांच में से एक ही सही हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और ऐसा हो सकता है कि आठ में से एक भी सही ना हो, अगर कोई सा भी एक विकल्प लगा दो आप, बहुत कम चांस है, अगर एक भी सही ना हो आठ में से तो होगा नुकसान, पर ऐसी कभी कोई संभावना नहीं। आप कभी भी चेक करना कि जो एग्जाम में, हालांकि वो कभी ऐसे सोच के नहीं बनाता, लेकिन अगर आपके एग्जाम में 80 क्वेश्चन आए हैं ना, 80 क्वेश्चन आए हैं ना, तो ये संभावना जरूर होगी कि भैया 20 क्वेश्चन के लगभग लगभग ए उत्तर होंगे और लगभग लगभग 20 क्वेश्चन के बी उत्तर होंगे और लगभग लगभग 20 क्वेश्चन के सी उत्तर होंगे और लगभग लगभग डी होंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये ए पे 20 ही क्वेश्चन हो, ऐसा हो सकता है इसमें 22 हो, इस पर 18 ही रह जाए, पर लगभग लगभग वही आएगा। तो बच्चों इसलिए चार क्वेश्चन में